आयत नंबर 145, इन्नल मुनाफिकीना बिला शुबा मुनाफिक इद्दार किल असफाली, सबसे निचले दर्जे में होंगे, मिन नारी आग के, वलन ताजीदा और हरगिज नहीं आप पाएंगे, लाहुम उनके लिए नसीरा कोई मददगार। जहन्नम का सबसे निचला तबका हाविया कहलाता है। आज़ानल्लाहु मिन्हा, मुनाफिकीन की मज़कूरा आदात व सफात से हम सब मुसलमानों को अल्लाह ताला बचाए। जिस तरह जन्नत के बहुत से दर्जात हैं, इसी तरह जहन्नम के भी बहुत से दर्जात हैं, और मुनाफिकीन या उनसे दिली दोस्ती रखने वालों का ठिकाना जहन्नम का सबसे निचला दर्जा होगा, जहां सबसे ज्यादा अजाब होगा, और ये काफिरों के अजाब से भी सख्त होगा, क्योंकि काफिर अपने दीन और ईमान के मामला में किसी को धोखा नहीं देता, जबकि मुनाफिक काफिरों और मुसलमानों दोनों को धोखे में रख कर उन दोनों से मफादात हासिल करता या हासिल करने की कोशिश करता रहता है। जहन्नम के बहुत से तबकात हैं, और जो तबका जितना ज्यादा नीचे है उसमें उतना ही ज्यादा सख्त अजाब है। सैयदना अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बाज औकात बंदा ऐसी बात कह देता है जिसका उसे मालूम ही नहीं होता कि उसमें कितना बड़ा गुनाह है, और उसकी वजह से वो दोजख में मशरक को मगरब की दूरी से भी ज्यादा गहराई में जा गिरता है। आयत नंबर 146। इल्लल्लाज़ीना, सिवाय उन लोगों के जिन्होंने ताबू तौबा की, व असलाहू और अपनी इसलाह कर ली, व तसामू और मजबूत पकड़ा बिल्लाही अल्लाह ताला के दीन को, व अखलासू और खालिस कर लिया दीनाहुम अपना दीन लिल्लाही अल्लाह ताला के लिए, फाउलाइका तो ये लोग मा अल्मुमिनीना मोमिनों के साथ होंगे, व सौफा और अन करीब युतिल्लाहु देगा अल्लाह ताला मुमिनीना मोमिनों को अजरन अजर अजीमा बहुत बड़ा। यानी मुनाफिकीन में से जो इन चार चीजों का खुलूस दिल से एहतमाम करेगा, वो जहन्नम में जाने के बजाय जन्नत में अहले ईमान के साथ होगा। जिन मुनाफिकीन की ऊपर मजम्मत की गई है, उनकी नजात के लिए बतौर इस्तस्ना चार बातें फरमाई। एक ये कि अपने पिछले रवैये पर नादिम हूँ, दूसरे ये कि आइंदा के लिए अपनी पूरी इसलाह कर लें, तीसरे ये कि अल्लाह ताला की रस्सी को मजबूती से पकड़ें, चौथे ये कि दीन का जो काम करें खालिस अल्लाह ताला की रजा मंदी हासिल करने के लिए करें, तो वो उस उखरवी सजा से बच जाएंगे। अल्लाह ताला उनके सबका गुनाह माफ करके उन्हें मोमिनों की जमात में शामिल कर देगा, और जो मफादात दुनियावी या उखरवी मोमिनों को हासिल होंगे वो उन्हें भी हासिल होंगे। आयत नंबर 147। मा यफअलुल्लाह, क्या करेगा अल्लाह ताला भी अजाबिकुम तुम्हें अजाब देकर, इन शकर तुम अगर तुम शुक्र करो, व अमन तुम
और तुम ईमान ले आओ। वकान अल्लाहु, और है अल्लाह ताला शाकिरन, नहायत कदरदान, अलीमा, खूब जानने वाला। यानी जो उसका शुक्र करेगा वो कदर करेगा, जो दिल से ईमान लाएगा वो उसको जान लेगा और उसके मुताबिक वो बेहतरीन जजा से नवाजेगा। इस आयत में ये बताना मकसद ये मकसद इसलिए है कि अजाब का बायस तुम्हारा शुक्र ना करना और ईमान ना लाना है, वरना अल्लाह ताला को क्या जरूरत है कि तुम्हें अजाब दे। सो अगर तुम दिल से ईमान ले आओ और कौलो फेल से अल्लाह ताला की फरमा बरदारी करके उसका शुक्र अदा करो तो अल्लाह ताला कदरदान है और सब कुछ जानता भी है। इरशादे बारी ताला है, वज़ाकिरीन अल्लाह कसीरन वज़ाकिराती, अअद्दल्लाहु लहुम मग़फिरतन व अजरन अज़ीमा, सूरत अल अहज़ाब में। और अल्लाह का बहुत जिक्र करने वाले मर्द और जिक्र करने वाली औरतें, उनके लिए अल्लाह ताला ने बड़ी बख्शिश और बहुत बड़ा अजर तैयार कर रखा है। और फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनु उज़कुरुल्लाहा ज़िक्रन व ज़िक्रन कसीरा, सूरत अल अहज़ाब में। ऐ लोगो, जो ईमान लाए हो अल्लाह ताला को याद करो, बहुत याद करना। सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि मैं अपने बंदे के गुमान के मुताबिक उससे सलूक करता हूँ, और जब वो मेरा बंदा जिक्र करता है तो मैं उसके साथ होता हूँ। अगर वो मुझे दिल में याद करे तो मैं भी उसे दिल में याद करता हूँ, और अगर वो किसी मजमा में मुझे याद करे तो मैं उससे बेहतर जमात में उसे याद करता हूँ, और अगर वो एक बार लश्त मेरे नज़दीक होता है तो मैं एक हाथ उसके नज़दीक होता हूँ, और अगर वो एक हाथ नज़दीक हो तो मैं दो हाथ उसके करीब होता हूँ, और अगर वो चलता हुआ मेरे पास आता है तो मैं दौड़ कर उसकी तरफ जाता हूँ। सैयदना अबू मूसा रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अपने रब का जिक्र करता है और जो शख्स अपने रब का जिक्र नहीं करता, उन दोनों की मिसाल ऐसी है जैसी मिसाल जिंदा और मुर्दा की है। सैयदना अंस रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हाल में कि सैयदना मुआज़ रज़ी अल्लाह अन्हु सवारी पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे बैठे हुए थे, फरमाया, जो कोई अपने सच्चे दिल से इस बात की गवाही दे कि अल्लाह ताला के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के रसूल हैं, तो अल्लाह ताला उस पर दोज़ख की आग हराम कर देता है। सैयदना मुआज़ बिन जबर रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे मुखातिब करते हुए फरमाया, तू जानता है कि अल्लाह ताला का हक बंदों पर क्या है? मैंने कहा, अल्लाह और उसका रसूल खूब जानते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला का हक बंदों पर यह है कि उसी की इबादत करें और उसके साथ किसी को शरीक ना ठहराएं। फिर फरमाया, तू जानता है कि जब बंदे ये काम करें तो उनका अल्लाह पर क्या हक है? मैंने कहा, अल्लाह और उसका रसूल खूब जानते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो हक ये है कि अल्लाह ताला उनको अजाब ना दे। सैयदना अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
ईद उल अजहा या ईद उल फितर के मौका पर कुछ औरतों के पास से गुजरे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ औरतों की जमात, तुम सदका और खैरात किया करो, क्योंकि मुझे दिखाया गया है कि अहले जहन्नम की अक्सरियत औरतों की है। औरतों ने कहा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐसा क्यों है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम लानत बहुत ज्यादा करती हो और खावन की नाशुक्री करती हो। सैयदना अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने जहन्नम में देखा तो उसमें अक्सरियत औरतों की थी जो नाशुक्री करती हैं। पूछा गया कि क्या वो अल्लाह ताला की नाशुक्री करती हैं? फरमाया, खावंद की नाशुक्री करती हैं। और एहसान नाशनास होती हैं अगर आप उनमें से किसी एक पर लंबा अरसा एहसान करते रहें, फिर वो आपसे कोई नापसंदीदा चीज देख ले तो वो कहती है, मैंने तो आज तक तुझसे कभी कोई खैर देखी ही नहीं। अल्लाह ताला सबको हदायत दे। आमीन सुम्मा आमीन। सुभान रब्बी का रब्बिल इज्जत अम्मा यसिफून वसलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।